हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सिक्स सेशन है ये। इससे पहले पांच सेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर हम 10 मार्क्स के दो अलग अलग टॉपिक से सेट लेते हैं। आज के जो आपके सेट्स रहेंगे, पहला रहेगा बॉक्स बेस्ड पजल पे, जिससे 5 सवाल रहेंगे, और दूसरा रहेगा अल्फाबेट सीरीज पे, जिसपे बेस 5 सवाल रहेंगे। ठीक, जैसे आप सबको पता है कि ये सेशंस हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 के लिए, तो लेवल जो रहेगा क्वेश्चंस का वो भी आईबीपीएस क्लर्क प्री को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। अभी इस सेशन का ऑप्टिमम यूज करना है तो मैंने आपको पहले सेशंस में भी तरीका बता रखा है क्या करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये टोटल 10 मार्क्स की प्रैक्टिस है, तो पहले 8 मिनट देंगे। टोटल 8 मिनट्स का टाइमर लगा के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उसके अंदर जितने हो जाते हैं अच्छी बात है, अगर सारे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा सॉल्यूशन देखिए, किस तरह से मैंने टाइम के अंदर इसे सॉल्व करने की कोशिश की है, क्या इसके आंसर थे, आपने जो अटेम्प्ट किए उसमें कितने सही थे कितने गलत थे, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने अटेम्प्ट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, बातें खूब हो चुकी है, सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लेंगे वो है बॉक्स बेस्ड पजल का, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले बॉक्स बेस्ड पजल पढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? 7 बॉक्सेस और 7 बॉक्सेस का नाम दिया गया है, कंटेन 7 डिफरेंट फ्रूट्स। 7 बॉक्स है और सातों बॉक्स में डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो बॉक्स के नाम दिए हुए हैं सातों, और साथ में सातों बॉक्स के अंदर कौन से फ्रूट्स है वो दिए गए हैं, और सातों के सातों बॉक्स को एक के ऊपर एक हमें अरेंज करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो अरेंजमेंट बना लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और दो रो बना लेंगे। दो रो क्यों बनाएंगे, क्या कारण है दो रो बनाने का? एक में आपका बॉक्स का नाम आ जाएगा और दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा, उस बॉक्स के अंदर कौन सा फ्रूट है वो आ जाएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं क्या गिवन है। 4 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स ई एंड द बॉक्स विच कंटेन्स एप्पल। 4 बॉक्सेस है उसके बीच में, किन किन के? बॉक्स ई के बीच में और उस बॉक्स के बीच में जिसमें एप्पल है। तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले सबसे ऊपर रख के देखते हैं हम एप्पल को। अगर एप्पल को सबसे ऊपर रखते हैं तो 1, 2, 3, 4 यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। चलिए, ऐसे रखने पे एप्पल और ई की अरेंजमेंट कहीं आगे खराब हो रही है, इसको चेक कैसे किया जाएगा? कि जल्दी से आगे जहां जहां एप्पल दिया हुआ है वहां पे अरेंजमेंट देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। देखते हैं, जैसे एप्पल आगे कहां है, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन एच एंड द वन हु कंटेन्स एप्पल, तो ये सेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या दे रखा है, बनाना इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स विच कंटेन्स एप्पल, मतलब बनाना एप्पल के जस्ट नीचे आएगा, तो आ सकता है इसमें। अब ई के रिलेटेड देख लेते हैं, कुछ है तो इन्फॉर्मेशन, कहीं कुछ खराब हो रही है तो जल्दी से चेक करेंगे। चलिए, ये दिया, द बॉक्स विच कंटेन्स चीकू इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बॉक्स ई, चीकू ई के जस्ट नीचे है, तो नीचे एक जगह छोड़ी रखी है तो आराम से आ सकता है। इसका मतलब अगर ई को हम यहां एप्पल को 6th पे रखते हैं और ई को इधर रखते हैं तो बात नहीं बन पाती, क्यों? क्योंकि ई के नीचे एक बॉक्स के लिए जगह रहनी चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट नीचे कौन आ रहा है, चीकू आ रहा है, तो ई को हम यहां नहीं रखते हैं, ई को लिख लीजिए यहां पर, क्योंकि यहां पर नाम लिखे जाएंगे, यहां पर फ्रूट्स लिखे जाएंगे, तो यहां पे चीकू लिख लीजिए। और एप्पल के जस्ट नीचे क्या बता रखा था, बनाना बता रखा था। अब ये तो हुआ जब 7वें पर एप्पल हो और दूसरे पे ई हो। एक और अरेंजमेंट भी तो बन सकती है जिसमें दूसरे पे एप्पल और 7वें पे ई रहे, देखते हैं ऐसी कोई अरेंजमेंट बन पाती है कि 6, 3, 2, 1, और फटाफट से दो रो बना लेते हैं जल्दी से। चलिए, बना लिया, एक में आपके फ्रूट्स आ जाएंगे और एक में क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा बॉक्स का। चलिए, हमने क्या बोला था, ई 7वें पे आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। चलिए, एप्पल आ गया है, एप्पल के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए, बनाना, बिल्कुल आ रहा है बनाना। और ई के जस्ट नीचे क्या आना चाहिए, ई के जस्ट नीचे आ रहा है चीकू। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दो केसेस बन चुके हैं, ये केस 1 और ये है आपका केस 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे जैसे जैसे दिया जाए वो करते रहेंगे। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स एच एंड द वन विच कंटेन्स एप्पल, एप्पल और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो 1, 2, H आ गया आपके यहां पर, इसमें 1, 2, H आ गया यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, बॉक्स टी इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स एच, टी के जस्ट नीचे, टी इज इमीडिएटली बिलो एच, एच के जस्ट नीचे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, एच के जस्ट नीचे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द वन विच कंटेन्स लीची, तो लीची भी नहीं पता है अभी, एफ भी नहीं पता, तो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, अभी के लिए होल्ड पे रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन द वन विच कंटेन्स बनाना एंड द वन विच कंटेन्स गुआवा, तो बनाना है तो 1, 2 छोड़ के यहां पर क्या आ गया, गुआवा आ गया।
ये बनाना रहा, एक दो छोड़ के यहाँ क्या आ गया, गुआवा आ गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बॉक्स एस कंटेंस कीवी, बॉक्स एस कंटेंस कीवी, मतलब एस भी अभी तक नहीं आए और कीवी भी नहीं आए, तो ऐसा डब्बा ढूंढिए जिसमें दोनों खाने खाली हो, मतलब नाम का भी और उसका भी। तो ऐसा कोई दिख रहा है क्या? बिल्कुल है सर, पांचवें नंबर पे यहां पर एस आ जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा, कीवी आ जाएगा। ऐसा इधर और कहीं दिख रहा है क्या? यहां पर ये रहा सर एस, ये रहा और कीवी यहां पर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स विच कंटेन्स चीकू इज प्लेस्ड इमीडिएटली, ये तो ऑलरेडी, ये टू बॉक्सेस आर बिटवीन द वन विच कंटेन्स कीवी एंड द वन विच कंटेन्स लीची। लीची और कीवी के बीच में दो बॉक्स आते हैं, तो एक दो यहां पर आ गया आपका लीची। सेकेंड में देखते हैं कीवी, ये रहा नीचे तो आ नहीं रहा, ऊपर देखते हैं एक दो, यहां पर भी नहीं बैठ रहे क्योंकि दो बॉक्स को छोड़ के ऑलरेडी चीकू है। इसका मतलब केस टू क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा इस बेसिस पे। केस टू आपका एलिमिनेट हो रहा है इस बेसिस पे, क्यों? क्योंकि बोला गया था कि कीवी और लीची के बॉक्स के बीच में दो बॉक्स आते हैं, तो कीवी और लीची में बॉक्स वन में तो अरेंजमेंट बैठ रही है पर सेकेंड में नहीं बैठ रही, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, ये आपका वन आ जाएगा, ट्रू केस। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया था। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड, ये हमने होल्ड पे रखा था, इसको यूज करते हैं। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द वन विच कंटेन्स लीची, लीची के जस्ट नीचे क्या होगा, एस, ये रहा लीची, इसके जस्ट नीचे आ गया एफ। अब इसके अलावा एक फाइनल इंफॉर्मेशन ये और बची थी, कौन सी? बॉक्स यू इज प्लेस्ड अबो बॉक्स जी, यू ऊपर रहेगा किसके, जी के, दो ही जगह बची है, तो ऊपर यू रहेगा नीचे जी आ जाएगा। अब एक ही खाना बचा है और एक ही फ्रूट बचा है, कौन सा फ्रूट बचा है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट बन गया और बहुत आराम से सॉल्व हो गया। आराम से कैसे सॉल्व हो पाया, अगर आपने स्टार्टिंग में ही केस बना दिया, और केस बनाते टाइम थोड़ी सी बातों का ध्यान रखा, किसका, एप्पल और ई के अरेंजमेंट का। पहले ही एप्पल और ई के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पढ़ ली कि अगर एप्पल को सातवें पे रखे और ई को दूसरे पे रखे तो दोनों बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि अगर एप्पल को मैं सिक्स्थ पे और ई को फर्स्ट पे रखूं तो बात नहीं बन पाएगी क्योंकि ई के नीचे एक बॉक्स और चाहिए। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख दिया तो उसके बाद तो एकदम ईजी आएगा। चलिए अब इसमें सवाल क्या पूछ सकते हैं, जैसे पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि पांचवें नंबर बॉक्स पे ऊपर से नहीं नीचे से पांचवा, नीचे से फर्स्ट सेकेंड, नीचे से स्टार्ट करते हुए एक दो तीन चौथ पांचवा, पांचवें नंबर बॉक्स में कौन सा फ्रूट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कीवी। अब जैसे अगला सवाल पूछ लिया जाए, ग्रेप्स कौन से बॉक्स में है, तो ग्रेप्स कौन से बॉक्स में है, एच में है। चलिए तीसरा सवाल पूछ लिया जाए, सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है, तो कौन सा है, यू है। अब चौथा सवाल आपसे ये पूछ लिया जाए, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, सबसे नीचे है एफ और उसके अंदर फ्रूट कौन सा है, चीकू। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पांचवा और आखिरी सवाल आपसे ये पूछ लिया कि गुआवा और एप्पल के बीच में कितने कितने बॉक्स आ रहे हैं, तो गुआवा और एप्पल के बीच में कितने हैं, एक दो तीन, तो टोटल कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, थ्री बॉक्सेस आ रहे हैं। तो ये बेसिक से पांच सवाल है, सवाल तो एकदम इजी हो जाते हैं, सवाल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है, मेन टारगेट रहना चाहिए आपका पजल को सॉल्व करने, एक बार पजल सॉल्व हो गया तो सवाल तो एक एक सेकंड के रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अल्फाबेट सीरीज हमारी, तो सवाल पढ़िए क्या दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सीरीज सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट, तो ये आपको सीरीज दी गई है और इस पे बेस्ड सवाल है। तो सबसे पहले पहला सवाल पढ़ेंगे, इफ ऑल द कंसोनेंट्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, मतलब सारे कंसोनेंट को हटा दिया जाए, देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल बी देयर टू द राइट ऑफ ई इन द न्यूली फॉर्म्ड सीरीज, तो ई के राइट में कितने अल्फाबेट्स होंगे, तो यहां पर ई ढूंढिए सबसे पहले, तो ये रहा आपका ई, और ई का राइट मतलब इस डायरेक्शन में कितने अल्फाबेट्स होंगे अगर सारे के सारे कंसोनेंट को ड्रॉप कर दिया जाए, तो देखते हैं एक दो और तीन, क्योंकि कंसोनेंट्स को तो गिनेंगे नहीं हम क्योंकि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, तो वोवल्स को ही गिनेंगे, तो राइट में कितने वोवल्स आ रहे हैं, एक दो और तीन, आंसर आ जाएगा आपका थ्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकेंड सिक्स सेवेंथ एंड 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव सीरीज, लेफ्ट एंड कौन सा है, ये है, कौन कौन से लेने हैं, सबसे पहले सेकेंड, सेकेंड है आपका आई, फिर कौन सा लेना है, सिक्स, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स आ रहा है आपका जी, सिक्स के बाद सेवेंथ, जी के बाद क्या आ रहा है, पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कौन सा लेना है, थर्टीन, ये कौन सा था, सेवेंथ, एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टींथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आ गया है, आ चुका है आई जी पी ओ, आई जी पी ओ, तो आई जी पी ओ से कितने बन सकते हैं, आप खुद से चेक कर लीजिए, तो
IGPU से कितने बन पा रहे हैं? एक भी नहीं बन पा रहा मेरे अकॉर्डिंग। आप बना के ट्राई कर लीजिए, आंसर इसका आएगा नन। एक भी मीनिंगफुल वर्ड इनको चारों को यूज करके नहीं बन पाएगा, आंसर आएगा नन। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच आर इमिजिएटली प्रिसीडेड बाई ए कंसोनेंट? ऐसे कितने वोवल है जिसके जस्ट पहले क्या आ रहा है? एक कंसोनेंट आ रहा है। तो देख लेते हैं, ये रहा वोवल, वोवल से जस्ट पहले कंसोनेंट है क्या? बिल्कुल है, एक आ गया। ये रहा वोवल इससे जस्ट पहले कंसोनेंट है क्या? बिल्कुल आ रहा है, दो हो गए। ये रहा वोवल, वोवल से जस्ट पहले कंसोनेंट है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तीन हो गए। इससे पहले कितना है? बिल्कुल कंसोनेंट, चार हो गए। इससे जस्ट पहले नहीं है, इससे जस्ट पहले बिल्कुल है, इससे जस्ट पहले बिल्कुल है। तो कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह। टोटल आंसर कितना आ रहा है? सिक्स आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी कंसोनेंट्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ कंसोनेंट? ऐसे कितने कंसोनेंट है जिनके जस्ट पहले भी एक कंसोनेंट है और जस्ट बाद में भी एक कंसोनेंट है? तो देख लेते हैं, ये रहा कंसोनेंट, कंसोनेंट से जस्ट पहले कंसोनेंट है? नहीं है। ये रहा कंसोनेंट जस्ट पहले है? नहीं है। जस्ट पहले है, जस्ट बाद में? बिल्कुल है। तो एक तो आ गया है, पी इससे जस्ट पहले है, जस्ट बाद में? बिल्कुल है, एक और आ गया है। एन, एन जस्ट पहले नहीं है। डी, डी से जस्ट पहले पर बाद में नहीं है। वाई, वाई से जस्ट पहले नहीं है। एल, एल से जस्ट पहले और बाद दोनों में नहीं है। बी से जस्ट पहले नहीं है। एस से जस्ट पहले और बाद में दोनों में है। तो एक और आ गया, ठीक है। टी देख लेते हैं, टी से जस्ट पहले है पर बाद में नहीं है। चलिए कितने आ गए? थ्री आ चुका है। ऐसे ऐसे तीन कंसोनेंट है जिसके जस्ट पहले और बाद में कंसोनेंट आते हैं। फाइनल क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ एट्थ अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? मतलब डबल डायरेक्शन वाला सवाल है। इसके लिए बहुत छोटी सी ट्रिक बताइए। सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिए कौन कौन सी। एक तो राइट है और एक लेफ्ट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जल्दी बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। तो एट को एट से ऐड कर दिया, एट प्लस एट कितना आ जाएगा? सिक्सटीन आ जाएगा। चलिए सिक्सटीन कौन से, जिस भी एंड से पूछा गया, कौन से एंड से पूछा गया था? लेफ्ट एंड बोला गया था। तो लेफ्ट एंड से सिक्सटीन गिन लीजिए। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, आई आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, बहुत ही इजी सीरीज थी, आराम से टाइम में कर सकते थे। ये थी आपकी बॉक्स बजल, ये भी बहुत इजी थी। बस इनिशियल में दोनों केसेस थोड़ा सा, थोड़े से क्वेश्चंस के साथ आराम से अगर आप बना लेंगे तो आगे की सारी इंफॉर्मेशन आराम से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये आज का मेरा सेशन था, सेशन नंबर सिक्स था, जिसमें बॉक्स बस बेस पजल का एक सेट लिया और एक अल्फाबेटिकल सीरीज का एक सेट लिया। 8 मिनट का ऑप्टिमम टाइम था। 8 मिनट में अगर आप ये सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाते हैं और सही कर पाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ट्रैक पर है। आप रेडी हैं IBPS क्लर्क प्री 2018 के लिए। प्लीज आपके अटेम्प्ट्स मेरे साथ शेयर कीजिए कि कितने टाइम में आप अटेम्प्ट कर पाए और कि 8 मिनट के अंदर कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक्स में वीडियो बनाऊं तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। सेशन नंबर 7 के साथ कल फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।